पिता किसान और माँ ने पेरा बेच करके अपने बेटे को सीए बनाया। भी हमारे साथ वो माँ है और वो पिता है और ये हमारे साथ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गए। तो आखिर कैसे आपके पिता किसान थे और बेटा सीए बन गए, तो ये जो सफ़र था इस सफ़र को आपने कैसे तय किया? इस सफ़र को हम मतलब अपने मेहनत के बदौलत, आत्मविश्वास के बदौलत, सही गाइडेंस मिला गार्जियन से, इसके बदौलत हम इस सफ़र को तय किए। इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आई, उसको इग्नोर करना पड़ा, कुछ को सहना पड़ा, तो ये सब। कितने घंटा पढ़ाई करते थे? हम 15 से 16 घंटा डेली पढ़ते थे, उससे कम मतलब होता ही नहीं था, सिलेबस कवर नहीं होता था। और कई कई बार तो मतलब दो दो दिन तक जागना पड़ जाता था। दो दो दिन तक जाग जाग कर पढ़ाई की? हाँ, और 15-16 घंटा एवरेज रहता था, एवरेज मतलब डेली का रूटीन रहता था। और जब प्रेशर आता था, एग्ज़ाम का टाइम आता था, मतलब 26 घंटा 27 घंटा मतलब लगातार कंटिन्यूस पढ़ना पड़ता। कंटिन्यू पढ़ते थे 26-27 घंटा? यस। आखिर इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता था आपको? मोटिवेशन वही अपना मतलब पारिवारिक आर्थिक स्थिति जो घर का था, इतना मतलब मेहनत करते थे हम, माँ पेरा बेच रहे और पिताजी किसान। हाँ, इसीलिए। और भाई लोग मतलब सब लोग इतना विश्वास करके भेजे हैं, तो हमसे कहीं चूक ना हो जाए जी, हम हमारे अंदर जो है उसी को यूटिलाइज करें। और हमारे पास सिर्फ टाइम ही था, पैसा तो था नहीं जो उसको यूटिलाइज करते, तो उस टाइम को बेहतर यूटिलाइज किए। मतलब जब भी डिमोटिवेट होते थे तो अपनी आर्थिक स्थिति को देख लेते? हाँ, आर्थिक स्थिति को देखते थे। प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? मतलब गांव के ही रोजी चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, वहीं से हुआ था। और फिर खुठा हाई स्कूल है, वहां से हुआ। और ट्वेल्थ जो हुआ था मतलब इंटर हुआ था बीएनएम कॉलेज बढ़िया, उसके बाद हम सीए लाइन में चले आए। सीए की तैयारी आपने कहां से की? पटना से। वहां पे एक एसपी यादव सर है, जो कि उनका एक संस्था चलता है जेल नाम का है, तो वहीं पर सबको पढ़ाते हैं। और हॉस्टल का फैसिलिटी है, वहीं पर हम रह करके पढ़ते थे। और फिर ट्रेनिंग 3 साल का किए कोलकाता में जा करके, और उसके बाद फिर हम वहाँ पे आकर के तैयारी किए पटना में। तो लग रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा? लगने का मतलब होता है ना कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो लगता था कि हो जाएगा, मतलब डर भी थोड़ा लगता। हाँ, डर बहुत लगता था, मानवीय गुण। हाँ, ये तो डर, तो मतलब डर नहीं रहेगा तो आदमी काम क्यों करेगा। रिजल्ट कौन देखा था? रिजल्ट खुद से देखे थे। तो देखने टाइम कैसा फील हो रहा? मतलब हमको विश्वास ही नहीं रहता कि मेरा रिजल्ट है। हम तो 4-5 बार देखे, उसके बाद लोगों को कन्फर्म हो गए। हाँ, पहले कंफर्म हो गया। जब रिजल्ट हुआ तो सबसे पहले आपने किसे बताया? मतलब सबसे पहले मतलब घर में बताया, बट मतलब फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाया, तो सर को पहले बताए थे, क्योंकि वो भी बहुत हमारे पीछे, वो भी हाँ मेहनत किए थे, वो भी बहुत ध्यान देते थे। एसपी यादव सर हमको बहुत मतलब मानते थे, क्योंकि ये मतलब वो भी देखते थे कि ये गरीब घर का बेटा है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर भी आप थे? मतलब नहीं के बराबर थे, क्योंकि हम मोबाइल ही 2 साल पहले लिए थे, और वो भी क्लास करने के लिए लिए थे, तो मतलब बहुत कम। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सबसे कोई रिश्ता नहीं? नहीं, ये सबसे नहीं। मतलब काम भर रहता था, जैसे पढ़ाई करना रहता था तो हाँ यूट्यूब पे देखना, हाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए ही सोशल मीडिया यूज करते थे। और फेसबुक वगैरह तो एग्ज़ाम जब क्लियर हो गया उसके बाद हम चलाना। उसके बाद अकाउंट बनाया? हाँ, अकाउंट पहले था, बट स्टार्ट हम इधर से किया। एग्जाम खत्म तो रिज़ल्ट होने के बाद? रिजल्ट होने के बाद। हाँ। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे ऐसे भी सहपाठी होंगे जिनका नहीं हुआ सीए में, तो उनके लिए क्या कहिएगा? ना उसके लिए मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब आप खुद पे विश्वास बनाइए, फिर से वो मतलब उसी लगन से लग जाइए तैयारी के लिए। हाँ, क्योंकि सीए में आने से पहले ये माइंड सेट करना रहता है कि इसमें बार बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उसी माइंड सेट को फिर से तैयार करिए और अगला बार आपका टर्म हो जाएगा इसी तरह से। तो कैसा लग रहा है आंटी, आपकी बेटा जो है वो सीए बन गए? जी, बन गया। खूब खुश लग रहा है, बहुत खुश जी। तो आखिर आपको विश्वास था कि आपके बेटा जो है वो सीए बन जाएंगे? विश्वास तो था, पढ़ रहा था, बोलता था जहाँ हम मम्मी पढ़ रहे हैं अब तो हम हो जाएंगे, कुछ तो करेंगे मम्मी, जरूर बनेंगे हम, जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम बनेंगे, बोला था। तो हम भी कहें बेटा बढ़िया से पढ़ना, ठीक से रहना, मेहनत करना बेटा, वहीं बढ़िया से रहना। और हम और क्या कहेंगे बच्चा को, मेहनत कर रहे हैं हम, पैसा दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करते थे। रिजल्ट हो गया होगा, फोन किए होंगे जी, बहुत तो खुश। कैसा लग रहा होगा? बहुत खुश लग रहा था, कि हम तो अभी बरहिये में रहते, तो फोन गया कि जो निर्मल का हो गया अथी मम्मी रिजल्ट हो गया, बहुत बढ़िया, खूब। नहरा उरा भी बता दिए? जी, नहरा भी जाते रहिए, राहे में रहिए, नहरे रास्ते में जी, राहे में रहिए जी, तो नहरों में बताइए दिलिए सबके, तब सब खुश हुआ, नहरा परिवार भी सब खुश हो गया जी। तो
सीए फाइनली बन गए हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहनत आज हमारा सफल हो गया। हाँ, लग रहा था कि कामयाबी? हाँ, हमको लगता था, चूँकि हमको आत्मविश्वास था कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का पैसा इसको हम लगा रहे हैं। हाँ, और हमको लगता सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, तो गांव समाज में तो वैल्यू बढ़ गया होगा। अच्छा, तो अरे इसलिए वैल्यू आपका बढ़ा होगा क्योंकि आपका बेटा जो है वो इस गांव का पहला सीए है। हाँ हाँ, ये तो है ही है। क्या? हाँ, पहला सीए है, आज तक तो नहीं था। आप जी जान लगा दिए पढ़ाने में? हाँ 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 हाँ। तो आपके गांव का जो है ये पहला सीए बना है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है, पूरे खुट्ठा परिवार खुश है आज। और ऐसा सपूत पैदा दूसरे के घर में भी भगवान दें, जो कि गरीबी से माता पिता जूझते हुए मेहनत करते हुए और आज अपने बेटा को उस मुकाम तक पहुंचाए, इसमें बहुत बड़ा योगदान इनके माता पिता का है। हर्ष की बात है सर हमारे गांव के लिए, और गर्व की बात है कि आज हमें पहला सीए हमारे गांव को मिला है, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं निर्मल जी का, उनके माता पिता का। यह श्रेय उनके माता पिता को जाता है जो बहुत मेहनत कर छोटा मोटा बिजनेस कर, किसान परिवार को आपको पता ही है क्या दिक्कत होता है, फिर भी उस लायक इसको बनाए कि आज अपने मुकाम पर। तो आप सुन रहे थे, मैं अभी लखीसराय जिले के ब्रहिया अंतर्गत खुटहा में था, और यहाँ पे इस गांव में पहला सीए जो है वो निर्मल जी बने हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं केटीवी भारत, कुणाल कुमार साहब, देखते रहे, जय हिंद।